आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के 35,000 प्लस पदों के लिए आवेदन करने वाले 1,26,00,000 अभ्यर्थियों के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी अधिसूचना जारी कर दी है सीबीटी एग्जाम डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हो देख लेते पूरी जानकारी इस वीडियो में फटाफट से। उसके पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुँच सके और रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी जहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों इस बुक में आपको 2018 में रेलवे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनके 313 सेट्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम डेट के बारे में अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है। 1 अक्टूबर 2019 की लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों इस अपडेट के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो अधिसूचना जारी कर दी है जिसके अनुसार आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट अक्टूबर के आखिरी सप्ताह 25 अक्टूबर के बाद जारी होगी। या दोस्तों जो संपूर्ण शेड्यूल है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का वो 25 अक्टूबर के बाद जारी किया जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 15 नवंबर तक आयोजित की जा सकती है। आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के पदों के लिए 1,26,00,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिसके चलते ये परीक्षा कम से कम 2 से 3 महीने चलेगी, यानी परीक्षा नवंबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलने के आसार हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जैसे इसके एडमिट कार्ड जारी होते हैं सबसे पहले हम आप सभी को अपडेट करेंगे। और दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।